हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ने जो है वो एनटीपीसी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज यहां पर कर दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। साथ में आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, वहां पर मैं लगातार एसएससी, बैंक, रेलवे, सिविल सर्विसेज के कोर्सेज बना रहा हूं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद वहां पर शशांक कौरव लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मेरे सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। तो सामने अभी आप देख सकते हैं कि रेलवे ने जो है ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। मतलब यदि आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसकी पब्लिकेशन जो डेट है वो इसमें दी गई है 28 फरवरी 2019, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया कब, 1 मार्च को, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। साथ में ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो ओपनिंग जो डेट है वो क्या है, 1 मार्च, 1 मार्च को आप शाम को 4 बजे जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। और जो क्लोजिंग डेट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम पेमेंट की बात करें, फीस पेमेंट की बात करें, तो आप ऑनलाइन SBI चालान या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी जो है वो फी पेमेंट कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 अप्रैल। तो ये इसको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा और अपना जो फॉर्म है वो जल्दी जल्दी फिल कर दीजिएगा, जिससे कि आप असुविधा से जो है वो बच सकें। फाइनल सबमिशन की बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन है उसकी जो फाइनल डेट है वो है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल तक जो है आप पूरी फीस को पेमेंट करके 12 अप्रैल तक आपका फाइनल सबमिशन रात को 12 बजे तक जो है वो हो जाना चाहिए। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है फर्स्ट स्टेज CBT, जो फर्स्ट स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये होगा जून से लेकर सितंबर के बीच में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास कुछ ही समय यहाँ पर बचा हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी की। तो यहाँ पर दो पार्ट में यहाँ पर वैकेंसी है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो वैकेंसी दी गई है ये दी गई है जो कि 12th पास है, 10+2 वाले जो स्टूडेंट है जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर टोटल 5 यहाँ पर पोस्ट हैं। कौन कौन सी हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये जो है वो 12th बेस वाले जो स्टूडेंट है वो इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इनिशियल पे भी दिया गया 19,900 और 21,700, और वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसी मिलाकर टोटल जो 10+2 12th क्लास वालों के लिए है वो कितनी है, 10,628 यहाँ पर पोस्ट रिलीज की गई हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया वो रखा गया है डिग्री, मतलब आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, टोटल 8 पोस्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। ये जो पोस्ट है इनको ग्रेजुएशन लेवल वाले स्टूडेंट जो है वो फिल कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि यदि आप लास्ट ईयर में हैं तो आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे, आपका रिजल्ट जो है वो फॉर्म भरने के पहले आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम ग्रेजुएशन की बात करें तो टोटल यहाँ पर पोस्ट दी गई कितनी, 24,649 पोस्ट। तो ये दोनों पोस्ट यहाँ पर जो है वो कितनी हो गई हैं, 10,628 और 24,649 यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए वहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है। तो कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट जो है, इनकी पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होना जरूरी है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना जरूरी है इन पोस्ट के लिए। इसके बाद बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। इसको यदि आप फिल करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होना जरूरी है, साथ में उसके साथ आपके पास टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है, इंग्लिश या फिर हिंदी में टाइपिंग का नॉलेज जरूरी है और कंप्यूटर इज एसेंशियल, ठीक है। तो मतलब इसमें यह है कि आपको यहाँ पर जो है वो टाइपिंग जरूरी है, साथ में डिग्री जरूरी है, तो डिग्री के साथ इसमें टाइपिंग मांगा गया है इन 3 पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं इन 2 पोस्ट की, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन्स क्लर्क के लिए। इसमें जो है 12th और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स, मतलब आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए 12th क्लास में, वरना आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट दी गई है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइमकीपर। इनके लिए यदि आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 12th और इट्स इक्विवेलेंट प्लस 50% मार्क्स आपको होना जरूरी है। साथ में टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी कंप्यूटर इज एसेंशियल, मतलब आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो आपकी यहाँ पर जरूरी मांगी गई, मतलब टाइपिंग प्लस 12th यहाँ पर मांगा गया इन तीन पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने सारी पोस्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। साथ ही मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट यहाँ पर होना चाहिए कब से कब तक, 31 तारीख तक, ठीक है, 31 मार्च 2019 तक जो है आपका रिजल्ट यदि आ गया है तो ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जाम की, कितने स्टेज में ये एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो ये जो एग्जाम होगा वो होगा मेनली टू स्टेजेस में, इसमें दो जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। तो इसमें जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा, वो किन किन पोस्ट के लिए होगा, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। साथ में यदि आपने जूनियर क्लर्क और टाइपिस्ट के लिए यदि यहां पर फॉर्म भरा है, जूनियर टाइमकीपर, अकाउंट्स क्लर्क, क्लर्क वाली जितनी पोस्ट है उसके लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, मतलब दो स्टेज में तो आपका टेस्ट यहां पर होने ही वाला है। उसके बाद स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की यदि आपने पोस्ट भरी है तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और यदि आपने क्लर्क के लिए यहां पर अप्लाई किया हुआ है तो आपका यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम यहां पर होने वाला है। साथ में ये जो एग्जाम है वो अलग अलग शिफ्ट में होगा और बहुत दिनों तक ये चलने वाला है, तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइजेशन के मेथड से यहाँ पर कैलकुलेट किए जाएंगे, राइट, मतलब यदि आपके कम मार्क्स आए और पेपर टफ आया है तो आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ भी जाते हैं और यहाँ पर कम भी जो है वो हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप यदि फर्स्ट स्टेज सीबीटी का यदि एग्जाम देंगे तो वहाँ पर एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें जो 20 गुना लोग हैं, टोटल वैकेंसी के 20 गुना लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए, उसके बाद जो है वो 8 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और ऐसे ही जो है वो अलग अलग चीज़ें चलती जाएंगी। तो आपको सिर्फ ये है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्लियर करना है, उसके बाद आपको सेकंड स्टेज यहाँ पर क्लियर करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम यहाँ पर आपका होगा, और बाकी मैंने आपको बता दिया किन का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और किन का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, वो अलग अलग पोस्ट के लिए होगा। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, तो जिनको भी मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई फिजिकली कोई अनफिट है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकता है कि उसका जो डिस्टेंस विजन है वो कितना है, नियर विजन वो कितना है, ठीक है, चश्मा वगैरह जिनको लगता है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है इसकी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, जो 12th वाले हैं उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट कितनी है, तो 18 से लेकर 30 साल तक के लोग यहाँ पर जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 2 जुलाई 1989 के पहले आपका जन्म यदि हुआ है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, इसके बाद जन्म होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर हैं तो 2 जुलाई 1986 के पहले वाले जो है इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और SC ST वाले जो हैं 2 जुलाई 1984 के पहले जो पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। बात यदि हम यहां पर करें ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की, तो 18 से 33 तक जो है यहां पर एज लिमिट दी गई है, और अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 2 जुलाई 1986 के पहले जितने भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज को आप यहां पर याद रखिएगा। साथ में आपको यहां पर ओबीसी SC ST वुमेन और बाकी जो यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सारा आपको मिलेगा, तो इसके अलावा भी आप बाकी चीजें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की फीस की, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और जो ओबीसी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहां पर फीस रखी गई है 500 रुपये, और यदि आप एग्जाम दे देते हैं फर्स्ट स्टेज का तो आपको 400 रुपये जो है यहां पर रिफंड भी हो जाएगा। और बाकी यहां पर यदि हम बात करें PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन और बाकी जो बैकलॉग SC ST माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उनकी यहां पर फीस रखी गई 250 रुपये, और यदि आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे देते हैं तो 250 रुपये आपकी फीस भी रिफंड हो जाएगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के यदि हम बात करें तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके यहाँ पर लगेगा, मतलब आप किसी भी एक RRB के लिए भर सकते हैं, जैसे भोपाल, अजमेर, अलाहाबाद, तो कोई एक RRB के लिए आप एक फॉर्म फिल करेंगे और आपकी जितनी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो फिल हो जाएंगी, आपको वहाँ पर सिर्फ प्रायोरिटी जो है वो देनी होगी। और बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, फर्स्ट स्टेज एग्जाम होगा, फिर सेकंड स्टेज होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जो कोई भी उसमें एप्लीकेबल है उनके लिए, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर होने वाला है।
अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और उसका पैटर्न यहाँ पर कैसे रहने वाला है। तो जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम यहाँ पर होगा उसमें आपको टोटल मिलेंगे 90 मिनट, राइट। और यहाँ पर आपके तीन इसमें पार्ट रहेंगे, कौन कौन से, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर रीजनिंग से जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैंने जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग आपकी सभी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं, आप सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए तो आपका यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जल्दी आपकी पूरी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग का तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपका लेकर आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। बाकी मैंने जनरल अवेयरनेस का बहुत सारा सेक्शन आपका कवर कर दिया है और आप एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम का जो ग्रुप है आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर डेली अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन की। जो सेकंड स्टेज का यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें आपका यहाँ पर ये भी 90 मिनट का होगा। इसमें जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 50 होंगे, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग सेम 1/3 यहाँ पर रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी यहाँ पर कीजिएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं ऑलरेडी देता जाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं किया तो अभी कर लीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स का ये यहाँ पर दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं दिया अभी आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हम डिटेल में इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करते हैं आगे इसकी, तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होने वाला है जो कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होने वाला है, उसमें यहाँ पर आपका जो टी स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा, 42 मार्क्स का। तो ये तो बहुत बात की बात है, पहले हमको फर्स्ट स्टेज देना है, फिर हम सेकंड स्टेज देंगे और फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दूंगा। टाइपिंग जो टेस्ट है ये आपका यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। यहाँ पर दिया गया 25 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग स्पीड रहना चाहिए और इंग्लिश में जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप बाकी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो। यहाँ पर यदि हम बात करें, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको कौन कौन से एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे। तो पहली बात तो सभी पोस्ट के लिए आपको पहला फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देना जरूरी है, वो तो सभी में होगा। सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम जो है वो भी आपको सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, वो किस किस में देना है, क्लर्क की इस वाली पोस्ट के लिए, क्लर्क अकाउंट क्लर्क के लिए, जूनियर टाइमकीपर के लिए आपको जो है वो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर देना होगा। उसके बाद ट्रेन क्लर्क, इसके लिए आपको कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। कमर्शियल कम क्लर्क के लिए नहीं देना है आपको। जो ट्रैफिक असिस्टेंट है इसके लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। गुड्स गार्ड के लिए आपको कोई भी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, कुछ कोई टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ फर्स्ट स्टेज एग्जाम होगा, फिर सेकंड होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इसके लिए भी आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइमकीपर के लिए भी आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देना होगा और कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है। और लास्ट आता है स्टेशन मास्टर, इसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। तो ये पूरी समरी है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करनी थी, मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। बाकी जो पीडीएफ वगैरह होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देख लीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही और भी वीडियोस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।